बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में सह अभियुक्तों को बरी किए जाने के खिलाफ सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई अपील पर शुक्रवार को हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान राज्य के अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे और मामले में अभियुक्त सैफ अली खान और सोनाली की ओर से नोटिस तामील नहीं किए गए थे, जिस पर कोर्ट में सैफ अली खान के अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा पेश किया और सोनाली की ओर से अधिवक्ता ने अंडरटेकिंग पेश की है। और इसके बाद सभी अधिवक्ताओं की ओर से कोर्ट से गुहार करने के बाद इस मामले में आगामी 19 अगस्त को सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में आज न्यायाधिपति श्री मनोज कुमार गर्ग की अदालत में सैफ अली, सोनाली, तबु, नीलम, दुष्यंत सिंह की ओर से जो राज्य सरकार की ओर से पेश किया गया था, जिसमें सलमान खान को 5 वर्ष की कारावास और जुर्माना आरोपित किया गया था, जिसकी अपील जिला एवं सेशन न्यायाधीश ग्रामीणों में विचाराधीन है तथा राज्य सरकार की ओर से बरी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील की गई थी, जिस पर सैफ अली, सोनाली, तबु, नीलम व दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था, जिस पर पूर्व में सुनवाई हो चुकी थी तथा नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें पूर्व में तबु और अन्य के तामील हो चुके थे। दो लोगों के, सैफ अली व नीलम के, सोनाली के नोटिस तामील नहीं हुए थे, जिस पर आज सैफ अली के अधिवक्ता के द्वारा वकालतनामा पेश कर दिया गया और सोनाली के लिए अंडरटेकिंग ली गई है, जिस पर आगामी तारीख वैसी उन्हें अधिवक्ता के निवेदन पर 19 अगस्त रखी गई, जिस पर इस संबंध में जो बरी किए गए उससे संबंधित बहस की।